देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं ममता बिस्ट, आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों में। खबर चंपावत से, साइबर अपराधी पकड़े। देश भर में साइबर ठगी करने वाले दो युवक को पकड़ने में चंपावत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फेसबुक आईडी हैक कर देश भर के लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले सातिर गैंग के दो अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को मथुरा व अलवर राजस्थान से चंपावत पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बताते चले, बीते कुछ माह में चंपावत जनपद में फेसबुक आईडी हैक कर लोगों से पैसे ठगने के कई मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में इन मामलों के खुलासे को लेकर साइबर सेल ने फर्जी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और ऑनलाइन बैंकों की डिटेल के माध्यम से अज्ञात युवकों की पहचान की। तो युवक अलवर राजस्थान व थाना गोवर्धन मथुरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के होने का पता चला, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम राजस्थान भेजी गई, जहां से एक युवक साकिब पुत्र आस मोहम्मद निवासी अलवर राजस्थान को थाना गोविंदगढ़ अलवर राजस्थान से व युवक तालीम खान को जनपद मथुरा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। साथ ही पूछताछ में पता चला है कि युवक गढ़ अलवर राजस्थान व गोवर्धन मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तथा इनका गिरोह टटल्लू गैंग नाम से विख्यात है, जो साइबर अपराध फेसबुक आईडी हैक कर मैसेंजर के माध्यम से व्यक्ति के दोस्तों और रिश्तेदारों से रुपए की मांग करते थे और भोले भाले लोगों को अपने विश्वास में लेकर ठगी करते थे। युवकों के खातों में लाखों रुपए का लेन देन होना पाया गया है। यह लोग अपने गैंग को मथुरा तथा अलवर राजस्थान से संचालित करते थे तथा छोटे छोटे गैंग बनाकर यह लोग काम करते थे। अपराधी फर्जी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर पैसों को ऑनलाइन बैंक अकाउंट में डालकर निकाल लेते थे। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा बनाकर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आप देख रहे हैं चंपावत से अशोक सरकार की रिपोर्ट। लोग फेसबुक मैसेंजर पे फेसबुक फर्जी प्रोफाइल बना के लोगों से पैसों की मांग करते थे। इसी संदर्भ में जनपद चंपावत में 3 मुकदमे कुल पंजीकृत किए गए थे। इसमें जब हम लोगों ने जांच पड़ताल की तो हमें ये पता चला कि मथुरा और अलवर राजस्थान में इस प्रकार की जो गैंग हैं वो सक्रिय हैं, कार्य कर रही हैं। इन पे हमारे सर्विलेंस के माध्यम से हम लोगों ने इनको ढूंढा है और मथुरा और अलवर से 2 अभियुक्तों को हमने 3 मामलों में गिरफ्तार किया है। आज चंपावत के माननीय न्यायालय में इनको पेश किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।